हेलो एवरीवन, रॉबिन क्लेन की पोम अमांडा, जो क्लास टेंथ की महत्वपूर्ण पोम है, इसके लास्ट पार्ट को पढ़ने जा रहे हैं। अगर इसके पहले के तीन पार्ट्स नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पड़ी है, जाकर देख लीजिएगा। इसकी सेंट्रल आइडिया की भी लिंक पड़ी है, देख लीजिएगा। स्टेंजा बेस्ड क्वेश्चन आंसर का ये लास्ट वीडियो है, आइए देखें। अमांडा, रीड द फॉलोइंग स्टेंजा एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। तो नीचे दिए गए स्टेंजा को पढ़िए और उसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। स्टेंजा 6 है, आई एम रैपंजल। अमांडा अपने माता पिता के निर्देशों से ऊबकर अकेले रहना चाहती है, कहती है काश वह रैपंजल होती। आई हैव नॉट अ केयर, तो उसको किसी प्रकार की कोई केयर न करना पड़ता, चिंता न करना पड़ता, निश्चिंत जीवन व्यतीत करती। लाइफ इन अ टावर इन ट्रैंक्विल एंड रेयर। ट्रैंक्विल मीन्स शांत, तो कहा कि वह एक टावर में, ऊंची मीनार में रहना चाहती है, जहां वह शांत और अत्यधिक रेयर जीवन, मतलब जिसके बराबरी का कोई न हो, दुर्लभ जीवन, सबसे अधिक अच्छा जीवन हो, ऐसा व्यतीत करना चाहती है। आई विल सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर, तो कहा अगर ऐसा होता तो निश्चित रूप से वह अपने बालों को न लटकाती और किसी को भी अपने मीनार में न आने देती। इस पर बेस्ड क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, राइट द नेम ऑफ द पोम, कविता का नाम लिखिए। हु इज इट्स पोएट, इसके कवि कौन है। आंसर, द नेम ऑफ द पोएट इज अमांडा, कविता का नाम अमांडा है। रॉबिन क्लेन इज इट्स पोएट, रॉबिन क्लेन इसके कवि हैं। सेकेंड क्वेश्चन, हु इज द स्पीकर इन दिस स्टेंजा, इस स्टेंजा में स्पीकर कौन है। तो आप जानते हैं अमांडा बोल रही, तो अमांडा स्पीकर होगी। तो आंसर, अमांडा इज द स्पीकर इन दिस स्टेंजा, इस स्टेंजा में अमांडा स्पीकर है। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट डज शी विश टू डू, वह क्या करना चाहती है। आंसर, शी वांट्स टू बी लाइक रैपंजल, वह रैपंजल होना चाहती है। हु लिव्ड पीसफुली इन द टावर, जो शांति से मीनार में रहते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट डज शी नेवर डू, वह क्या कभी नहीं करेगी। आंसर, शी वुड नेवर लेट डाउन हर ब्राइट हेयर, वह अपने चमकीले बालों को कभी नहीं लटकाएगी। लास्ट स्टेंजा, सेवेंथ स्टेंजा, स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस अमांडा। तो उससे कहा जाता है कि वह दुखी मूड में, सल्किंग मूड में रहना बंद कर दे, तुरंत बंद कर दे, एट वंस तुरंत बंद कर दे। यू आर ऑलवेज सो मूडी, तो उसे हमेशा कहा जाता है कि तुम हमेशा बुरे मूड में रहती हो, दुखी रहती हो अमांडा। एनीवन वुड थिंक दैट आई नेग्ड एट यू, कोई भी यह सोचता है कि मैं तुम्हें नेग्ड, अर्थात तुम्हारे अंदर दोष ढूंढता हूँ अमांडा। तो कोई भी सोचेगा कि उसके माता पिता उसे परेशान करते हैं, उसमें कमियां ढूंढते हैं, दोष ढूंढते हैं। इस पर बेस्ड क्वेश्चन है, हु इज द स्पीकर इन द एबो स्टेंजा, तो ऊपर दिए गए स्टेंजा के वक्ता कौन है, स्पीकर कौन है। आंसर, द फादर ऑफ अमांडा इज द स्पीकर इन द स्टेंजा, इस स्टेंजा में अमांडा के पिता स्पीकर हैं, वक्ता हैं। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट शुड शी स्टॉप, उसे क्या रोक देना चाहिए। आंसर, शी शुड स्टॉप सल्किंग, तो उसे सल्किंग, उदास मूड में, दुखी मूड में रहना बंद कर देना चाहिए। थर्ड क्वेश्चन, हु इज बींग नेग्ड एंड बाई होम, तो किस, कौन उसमें दोष ढूंढता है,
किस में दोष ढूंढा जाता है और किसके द्वारा? आंसर, अमांडा इज बीइंग नेग्ड, अमांडा में दोष को ढूंढा जाता है बाय हर फादर, उसके पिता के द्वारा। आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन, डू यू थिंक अमांडा इज मूडी गर्ल, क्या आप सोचते हैं कि अमांडा एक मूडी लड़की है, बुरा मूड है उसका? आंसर, नो, नहीं, अमांडा इज नॉट अ मूडी गर्ल, अमांडा एक मूडी लड़की, बुरे मूड वाली लड़की नहीं है। शी इज अ नॉर्मल गर्ल, वह एक नॉर्मल लड़की है। शी वॉन्ट्स टू गेट रीड ऑफ कॉन्स्टेंट नैगिंग एंड लिव अ पीसफुल लाइफ, वह निरंतर लगातार उससे जो टीका टिप्पणी की जाती है उसमें जो दोष ढूंढा जाता है उससे मुक्ति पाना चाहती है। गेट रीड ऑफ मीन्स छुटकारा पाना, मुक्ति पाना, एंड लिव अ पीसफुल लाइफ, और एक शांतपूर्ण जीवन जीना चाहती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।